गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है और अलवेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल गुरुग्राम कोर्ट ने अलवेश यादव पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गाने के दौरान दुर्लभ सांपों का इस्तेमाल करने का आरोप है। आपको बता दें कि पशु क्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, गैम्बलिंग एक्ट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। बादशाहपुर थाना में अलवेश यादव के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश हैं। साथ ही गाने के शूट के दौरान सिंगर राहुल फाजिलपुरिया भी मौजूद था, तो ऐसे में राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त अलवेश यादव, जो कुछ ही दिन पहले उन्हें बेल मिली थी, लेकिन उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। देवेंद्र भारद्वाज जी मीडिया संवाददाता और अपडेट करेंगे इस खबर पर। देवेंद्र, डिटेल बताइए। देवेंद्र, क्या डिटेल्स इस वक्त इस बड़ी खबर पर? तो गुरुग्राम से यह खबर है, अलवेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुग्राम कोर्ट ने अलवेश यादव पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं और ये मामले बहुत सख्त हैं, जिसके तहत मामले दर्ज होने हैं। दरअसल गाने के दौरान दुर्लभ सांपों का इस्तेमाल करने का आरोप है और इसके बाद गुरुग्राम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए हैं उसमें यह तय किया गया है कि पशु क्रूरता अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम समेत अन्य कई धाराओं के तहत केस दर्ज होंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या डिटेल्स कोर्ट के फैसले पर? देखिए, बिल्कुल अलवेश यादव की एक बार मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं कि जिस तरह से नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, उसी कड़ी में अब गुरुग्राम में भी जो अरावली की पहाड़ियों में एक फार्म हाउस के अंदर एक गाना शूट किया गया था, 32 बोर का गाना शूट किया गया था और उसी गाने के दौरान ऐसी दुर्लभ सांप की प्रजातियां थी जिनका प्रयोग किया गया था, उसी को लेकर प्यूपल फॉर एनिमल्स की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी कोर्ट में कि इस पूरे मामले में अलवेश यादव है अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और उसी पर आज तथ्यों पर बहस करते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अलवेश यादव व अन्य जो वहां शामिल थे उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें पशु क्रूरता और वन्य जीव अधिनियम के साथ साथ जो आपराधिक षड्यंत्र 120B के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाए और गैम्बलिंग एक्ट भी इसमें जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय है कोर्ट का और फिलहाल बादशाहपुर थाने में को आदेश जारी किए गए हैं कि जल्द से जल्द इस पे मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में FIR दर्ज। वाकई मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए देवेंद्र भारद्वाज।